सप्ताह का हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है और समर्पित दिन पर अगर देवी देवताओं की विधिवत पूजा आराधना की जाए तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में अधिकतर भक्त बुधवार के दिन श्री गणेश जी की पूजा और व्रत करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से गौरी पुत्र गणेश प्रसन्न होकर अपनी कृपा बरसाते हैं और भक्तों के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं। ऐसे में अगर आप भी श्री गणेश का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो आज के दिन अर्थात बुधवार के दिन पूजा पाठ के साथ साथ श्री गणेश अष्टोत्तर नामावली का संपूर्ण पाठ करें। इस चमत्कारी पाठ से भगवान गणेश शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम पाठ करते हैं गणेश जी के अष्टोत्तर नामावली का। इस नामावली का पाठ करने से भक्तों के सभी दुख दूर होकर धन धान्य और समृद्धि का घर में वास होता है। श्री गणेश अष्टोत्तर नामावली इस प्रकार से है। गजानन गणाध्यक्ष विघ्नराज विनायक द्वैमातुर द्विमुख प्रमुख सुमुख कृति सुप्रदीप सुखनिधि सुराध्यक्ष सुरारिघ्न महागणपति मान्या महाकाल महाबला हेरम्ब लंबजठर ह्रस्वग्रीव महोदरा मदोत्कट महावीर मंत्रिणे मंगलस्वरा प्रमधा प्रथम प्रज्ञा विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता विश्वनेत्र विराटपति श्रीपति वाक्पति श्रृंगारिण अश्रित वत्सल शिवप्रिय शीघ्रकारिण शाश्वत बल बलोत्थिताय भावात्मजाय पुराण पुरुष पुष्णे पुष्कर रोत्सित वारिणे अग्रगणयाय अग्रपूज्याय अग्रगामिने मंत्रकृते चामिकर प्रभाय सर्वाय सर्वोपास्याय सर्वकर्त्रे सर्वनेत्रे सर्वसिद्धिप्रदाय सिद्धये पंचहस्ताय पार्वतीनन्दाय प्रभवे कुमार गुरवे अक्षोभ्याय कुंजरासुरभंजनाय प्रमोदाय मोदकप्रियाय कांतिमते धृतिमते कामिने कपित्थपन सप्रियाय ब्रह्मचारिणे ब्रह्मरूपिणे ब्रह्मविद्यादिदानभुवे जिष्णवे विष्णुप्रियाय भक्तजीविताय जितमन्मथाय ऐश्वर्यकारणाय ज्यायसे यक्षकिन्नेर सेविताय गंगासुताय गणाधीशाय गंभीर निर्दाय वटवे अभीष्टवरदाय ज्योतिषे भक्तनिधये भावगम्याय मंगलप्रदाय अव्यक्त्याय अप्राकृत पराक्रमाय सत्यधर्मिणे सखये सरसाम्बुनिधये महेशाय दिव्यांगाय मणिकिंकिणी मेखलाय समस्त देवता मूर्तये सहिष्णवे सतोत्थिताय विधातकारिणे विश्वदृशे विश्वरक्षाकृते कल्याण गुरवे उन्मत्तवेशाय अपराजिते समस्त जगदाधाराय सर्वेश्वर्य प्रदाय आक्रांत चिदचित प्रभवे श्री विघ्नेश्वराय। इति श्री गणेशोत्तर शतनामावली संपूर्णम्। तो दोस्तों, यह गणेश जी का 108 नामों का उच्चारण भक्त के जीवन को सुखों से भर देता है और सभी दुखों का नाश करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो लाभप्रद लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।